आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव देवापुर पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 8 किलोमीटर तो वही ब्लॉक से 12 किलोमीटर है। 7000 वोट और 18000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान जानकी देवी ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। बताते चले कि विकास खंड मुंडा पांडे की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। ये अपने अच्छे कार्यों के कारण तीसरी बार गांव के प्रधान चुने गए हैं। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। ये गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान जानकी देवी और सचिव नाजिम इकबाल के सहयोग से स्कूलों के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। अपने कार्यकाल में इन्होंने किस तरह से गाँव को सजाया है और क्या समस्याएं भी बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबान। हमारे कार्यक्रम विकास की कहानी ग्राम प्रधान की जुबानी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के देवापुर ग्राम पंचायत में। यहाँ किस तरह का विकास अब तक करवाया जा चुका है, जैसे कि ग्राम प्रधान द्वारा हमें जानकारी मिली है कि लगातार पिछले 20 सालों से यहाँ प्रधानी का कार्य ये करते चले आ रहे हैं, तो जाहिर है कि विकास कार्य यहाँ चरम सीमा तक लगभग पहुंच चुके हैं। इसके आगे की सभी जानकारी हम यहाँ ग्राम प्रधान से लेकर आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। प्रधान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम पहले तो ये जानकारी लेना चाहेंगे कि आप लगातार 20 साल से यहाँ ग्राम प्रधान हैं, जैसा कि आपने बताया, तो अब इस पंचवर्षीय में पिछले सालों से, बीते सालों से मुकाबला अगर करें तो इस पंचवर्षीय में हर ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि भी मिली है और विकास कार्य भी काफ़ी हद तक ज़्यादा हुए हैं, तो आपकी ग्राम पंचायत में कितना विकास यहाँ पर आप द्वारा कराया गया है? देखिए, जो 20 साल की बात है, सर्वप्रथम 2000 में हमारी माता जी प्रधान बनी यहाँ पर, श्रीमती सुखदेव जी। उसके बाद में 2005 में फिर हमारी माता जी यहाँ पर प्रधान बनी। पूरे काम को हमने अपने हाथों से अपनी देख रेख में किया जी। 2010 में हम किन्हीं कारणों से रह गए, लेकिन 15 में फिर हमारी पत्नी श्रीमती जानकी सैनी यहाँ पर प्रधान बनी। हम लगातार 2000 से ही क्षेत्र में भी सक्रिय हैं, गांव में सक्रिय हैं, और गांव में लगातार हमने वो विकास किया है जो जहाँ पे ज़्यादा स्थितियाँ खराब थी। आज अगर गांव में घूम के देखेंगे तो बिल्कुल तस्वीर चेंज है, बहुत अच्छा विकास हुआ है। रही बात इन 5 सालों की, 5 साल में गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छी धनराशि, अच्छा पैसा पंचायतों को दिया गया है, जिसमें कि हर पंचायत में मैं समझता हूँ बहुत बढ़ चढ़ के विकास का काम हुआ है जी। यहाँ आवास मिले हैं लोगों को? आवास भी जो 2011 की जो सूची, BPL सूची है, उसके अनुसार लगभग 80-85 आवास मैंने। क्या अभी भी यहाँ परिवार ऐसे हैं तो आवास भी यहाँ जरूरत है? मेरी नज़र में, क्योंकि ब्लॉक मुंडा पांडे की ये सबसे बड़ी पंचायत है, मुस्लिम बहुल्य गाँव है ये, यहाँ लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जिनको आवास मिलने ज़रूरी हैं, क्योंकि उनका सर्वे भी हमने 2-3 बार करके भेज दिया है, लेकिन कारण यही रहा 2011 की सूची में उनका नाम नहीं था, इसलिए उनको आवास नहीं मिल पाया। अब जो मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उसमें हमने सर्वे करके सूची बना कर भेजी है, संभवतः आने वाले समय में उन सबको आवास मिलेंगे। प्रधान जी, जैसे कि आपने बताया 6 गांव आपकी इस पंचायत में लगते हैं, काफ़ी बड़ी पंचायत है 7000 वोट की, तो केंद्र सरकार की जैसे जो योजनाएं चलती हैं, उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, इस तरह की जो भी सरकार योजना लागू करती है गरीबों के लिए, जनता के लिए, तो क्या सभी का लाभ आपके सभी ग्राम पंचायतों में, जो 6 पंचायत आपके इसमें ग्राम पंचायत में लगती है, सभी लोगों को मिल पाता है? देखिए, ग्राम पंचायत एक है, गाँव अलग अलग है, लेकिन जो लाभ मिलेगा ना धर्म को देख के, ना जाति को देख के, ना गांव को देख के लाभ मिलेगा। लाभ मिलेगा सबको मिलेगा, हर घर को लाभ मिलेगा। मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, उसी अनुसार हम भी काम कर रहे हैं। हमने, मैं समझता हूँ 5% घर ऐसे रहे होंगे जिन्हें कनेक्शन ना मिलता, 5% भी नहीं है ना, बिजली कनेक्शन सबको मुहैया हो चुके हैं, लाइट अच्छी आ रही है, उज्ज्वला के अंतर्गत काफ़ी लोगों को गैस सिलेंडर मिले, फ्री गैस सिलेंडर दिलवाए गए, यहाँ कोई भी पक्षपात ना बिल्कुल नहीं किया गया, और ना ही पक्षपात करने का मन। किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है तो वो सभी को मिल रहा है? रही किसान सम्मान निधि की बात, किसान सम्मान निधि में
लगभग मैं समझता हूँ 20-25% किसान अभी वंचित रह गए हैं। उसमें कारण खाता भी मान लो प्रथमा रैंक है, खाते चेंज हुए उस कारण भी रहा, या हमारा गांव चकबंदी में चल रहा है, चकबंदी में जो फर्ज मिलती है उसके अनुसार भी कहीं दिक्कतें आई, तो कुछ कानूनी प्रक्रियाओं में डॉक्यूमेंटों में कुछ कमी पाई गई, तो इससे 25% व्यक्ति यहाँ वंचित हैं। उसके लिए किसानों को बीजों पर सब्सिडी और जो उनका बीमा वगैरह है, क्या ये यहाँ लोगों को मिल पा रहा है, किसानों को लाभ इन चीजों का? उसमें भी काफी लोगों को सब्सिडी वगैरह मिली है और जो लोग अपना बीमा कराते हैं उनको लाभ मिलता है, लेकिन अधिकतर किसान नहीं करा पाते हैं, जो उससे जानकार भी नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करके करवाया जाता है और उनको लाभ मिलता है। साफ सफाई की व्यवस्था, दरअसल गवर्नमेंट का एक नियम है, एक पंचायत से एक सफाई कर्मी रहेगा। एक व्यक्ति क्या 6 गांव को साफ कर सकता है? नहीं कर सकता। उसमें हम सबको ग्रामवासियों को लगना पड़ता है, लगना पड़ेगा तभी सफाई होगी। लेकिन मेरे यहाँ पे 2 सफाई कर्मी हैं, दोनों सफाई कर्मियों पे मैं रोज डेली प्रतिदिन घूम घूम के देखता हूँ कहाँ सफाई कर्मी काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है। जितना उनसे 2 सफाई कर्मियों से हो रहा है मैं लगातार उनसे काम कराता हूँ, और उतना काम कराता हूँ शायद 4 आदमी नहीं कर पाते हो। बाकी जहाँ पर कमी अगर रह जाती है तो अपने स्तर पर हम अपने स्तर से भी हमने बीच बीच में अपने तरफ से लड़के लगा लगा के एक अभियान से चला के मैंने सफाई भी कराई है, जिसके फुटेज वगैरह हमारे पास सब है, काफी हमने सफाई कराई और आगे को भी सफाई होती रहेगी, सफाई में कोई कोताही नहीं होती जाएगी, क्योंकि मुख्य उद्देश्य एक सफाई है, जब अगर सफाई होगी तो स्वच्छता से ही स्वच्छ भारत, तो अगर हमारी साफ सफाई गाँव में सही है तो गांव सुंदर होगा, बीमारी कम होगी और अच्छा लगेगा। अभी जैसे कि आपने बताया इस बार आप जो है जिला पंचायत के लिए प्रत्याशी हैं, यहाँ उम्मीदवार, देखिए जिला पंचायत की जहाँ तक की बात, आपका क्या कोशिश आपकी रही? जिला पंचायत की जहाँ तक बात है, जिला पंचायत के लिए अभी चुनाव का समय काफी है और क्या कंडीशन उस समय पर रहेगी, मेरा मन है, मेरा क्या क्षेत्र वालों का मन है, मैं 2008 से ये वार्ड 46 लगता है, मैं 2008 से लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ, आना जाना हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर बिरादर में, हर धर्म के व्यक्ति से संपर्क है मेरा। इस बार जिला पंचायत का अगर पार्टी सहयोग करेगी, क्योंकि मैं बीजेपी पार्टी से हूँ, पार्टी सहयोग करेगी तो मैं चुनाव लड़ूँगा, और ईश्वर ने जहाँ माहौल ऐसा है 100% सीट जीतेगी। उम्मीद करते हैं प्रधान जी, आपके गांव में जैसे अब इतना विकास हुआ भी है और इस पंचवर्षीय में भी ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की आपकी कोशिश रही है, स्कूलों में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफ़ी आपने काम करवाया होगा। देखिए स्कूलों में जो कायाकल्प का काम हुआ है मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक काम किया गया है, जो दरअसल गाँव के बाहर के स्कूल हैं स्थिति खराब हो जाती है, लेकिन जो गवर्नमेंट की एक मंशा है शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत अच्छी मंशा है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, और हर गांव में, मेरे गांव में नहीं हर गांव में स्कूलों पर काम हुए हैं और हो रहे हैं लगातार। दूसरा शौचालय, इस वक्त एक गवर्नमेंट की मंशा है कि क्योंकि कोई बाहर का आदमी आता है या रास्ते का चलने वाला उसे सार्वजनिक शौचालय की जरूरत पड़ती है, तो हर गाँव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो रहा है। मेरे गाँव में भी सिर्फ एक उसका हो रहा है 6 यूनिट का, 6 यूनिट का शौचालय का निर्माण हो रहा है, अच्छा शौचालय बन गया, बढ़िया शौचालय बन गया और बहुत अच्छा लग रहा है शौचालय बनने, उस ग्रामवासी को बहुत लाभ मिलेगा। अब आपके गांव को, अपने गांव को और सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे, जैसे कि अभी भी यहां पर कुछ समस्याएं बाकी होंगी जिनके लिए गांव के विकास को लेकर के जिनकी बहुत अहम जरूरत होती है, जैसे बारा घर या स्वास्थ्य केंद्र, इन सब के लिए आप क्या? मेरे यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, कभी एक है थोड़ा एक ANM है, ANM को गांव में ना बैठ करके उसको बहुत सारी ड्यूटी बहुत सारे काम करने होते हैं, जो कि टीकाकरण होता है, बहुत सी मीटिंगें होती हैं, तो ANM नहीं बैठ पाती, कवर नहीं कर पाती, उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि उसको काम ज़्यादा है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उस पर या तो स्टाफ गवर्नमेंट की तरफ से बने तो गांव ग्रामवासियों को लाभ मिले। अभी जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उससे अगर कहा जाए कि गांव में किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल पाता, उससे लाभ उतना नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए। रही बात बरात घर की, बरात घर हमारे यहाँ नहीं है,
अगर प्रयास है गवर्नमेंट की तरफ से तो बराबर मिलता है तो उसको बनवाया जाएगा। दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ है जिसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, काफ़ी समय से मैं लगा हुआ हूँ। मेरा गांव दो भागों में बटा हुआ है, एक भाग है जो चंदोस अलीगढ़ मुरादाबाद रेलवे लाइन है, रेलवे लाइन के दक्षिण साइड में मेरे दो गाँव सैनी वाली मिलक और कुंडे वाली मिलक पड़ती है, चार गाँव मेरे उत्तर साइड में पड़ते हैं, तो उसमें बीच में रेलवे लाइन है, हमारा रास्ता नहीं है। अगर हम उसको उन गांवों को जाना होता है तो कम से कम 5-7 किलोमीटर दूर घूम के जाना पड़ता है, ये दिक्कत है। तो हम गवर्नमेंट से, भारत सरकार से मैंने निवेदन भी किया, कई बार मंत्री जी से मिला हूँ मैं, और प्रयास जारी है। एक अंडरपास रेलवे लाइन के नीचे को बनवाने की मांग है, अगर वो हमारा बन जाता है तो उससे गाँव को बहुत बड़ी सुविधा, बहुत बड़ा लाभ हमारे गाँव को होगा, क्योंकि आए दिन खतरा रहता है रेलवे लाइन से, बच्चे आदमी महिलाएं सब रेलवे लाइन से ऊपर से उतरते हैं, अगर उसके नीचे से, क्योंकि वहाँ पे एक स्कूल भी है, जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी पाठशाला और एक हाई स्कूल रेलवे लाइन के बराबर बना हुआ है, तो बच्चों का आना आवागमन बराबर रहता है। तो मेरी वहाँ पे मांग है गवर्नमेंट से कि रेलवे लाइन के नीचे वहाँ पे एक पुलिया छोटी बना दिया, जिससे खतरा खत्म हो जाएगा आने जाने का रास्ते, और कोई ऐसी दिक्कत गाँव में नहीं है। विकास गाँव में इतना हुआ है क्योंकि हमने सपने में भी ना सोचा था कि इन 5 सालों में इतना विकास हो जाएगा। प्रधान जी, एक चीज और, जैसे कि अब ये महामारी, कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इसको लेकर के आप जनता को, जनता के लिए कुछ जागरूकता करने के लिए, क्योंकि हालांकि अनलॉक हो चुका है, काफी लोग लापरवाहियां बरतते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप अपने गाँव के ग्रामवासियों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो ग्रामवासियों को यही कहना चाहूंगा, इसका सिर्फ जो महामारी है पूरा दुनिया में फैली हुई है, कोई ये सोचे कि एक प्रदेश या एक देश में नहीं, पूरी दुनिया में इसमें सिर्फ एक बचाव ही उपाय है, हमें अपने आप को बचाव, साफ सफाई रखनी है, और किसी दूसरे से अगर मिलना है तो मास्क होना चाहिए हमारे ऊपर मुंह पे बंधा हुआ, और कम से कम 1 से 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, ये बार बार हमें साबुन से हाथ धोने, दिन में मेन चीज़ है साफ सफाई रखना। महामारी है और ये चली जाएगी। जैसा कि आपने देखा, ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास पिछले 15 सालों में भी और अब इस पंचवर्षीय में भी यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी यहाँ 80 लगभग ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ बनवाए जा चुके हैं प्रधानमंत्री योजना के तहत। इसके अलावा अभी भी यहाँ लगभग 100 परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है, स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत काफी काम यहाँ पर करवाया गया है, विकास कराया गया है, लेकिन कुछ समस्याएं अगर देखें तो अभी भी यहाँ बाकी हैं, जैसे कि बारात घर यहाँ पर निर्मित नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र जो कि बना हुआ है लेकिन उसकी सुविधा किसी भी ग्रामवासी को उस लेवल तक नहीं मिल पाती जहाँ मिलनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई भी डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य चिकित्सक, किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नियुक्त नहीं है, जिससे यहाँ लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे प्रमुख मांग यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा जो रखी गई है वो एक रास्ते को लेकर है, जो जिसके बीच में रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, जहाँ लोगों का आवागमन जारी रहता है, बच्चे, छोटे बच्चों का भी रहता है, जबकि क्योंकि एक स्कूल वहाँ पर बना हुआ है। यहाँ प्रधान की प्रमुख मांग है कि उस रेलवे क्रॉसिंग के नीचे से अंडर पासिंग वे यहाँ पर सरकार द्वारा बनाया जाए। अच्छा, पहले साथ में आपने सुझे को, क्या नाम आपका जी? कहाँ के निवासी हो? ग्राम देवापुर। अच्छा, यार 4.5 वर्ष तो ज्यादा हो गए ग्राम प्रधान जी कार्यकाल को, विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? विकास बहुत अच्छा कराया प्रधान जी ने, हर चीज देखी जाके, आप लैट्रिन देखे जाके, गांव में सभी जगह बना चुके हैं, और मकान भी सभी, मतलब जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो भी मिल चुकी है गाँव में, और क्या सब काम बढ़िया, नाली सड़क देखी जाके आप सब ओके करा दी, पत्थर वाली भी टेबल में करा दूंगी, जब पानी एकदम आप इनके विकास कार्यों से सहमत हो?